एक फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। बजट 2021 से सभी को काफी उम्मीदें हैं। लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आम लोगों को बजट में क्या राहत मिलती है। ये बजट आजादी से लेकर अब तक का सबसे ज्यादा चुनौतियों भरा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में कोरोना वायरस महामारी को आए करीब एक साल हो गया है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है। पहली तिमाही में भारत की GDP की ग्रोथ रेट -23.9% रही, उसके बाद ये -7.5% रही। इसके चलते राजकोषीय घाटा काफी ज्यादा है। कोरोना काल ने आम आदमी की भी बैलेंस शीट बिगाड़ दी है। कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, बहुत सारे कर्मचारियों के वेतन में कटौती हुई, काम धंधों में कमाई में कमी हुई, कुछ लोग केवल अपना खर्चा ही निकाल पाए, बचत नहीं कर पाए। ऐसे में सरकार और वित्त मंत्री से सबकी उम्मीदें काफी ज्यादा है। बजट आ रहा है तो यही हम लोग तो सोचेंगे कि हम लोग मध्यम वर्ग के लिए और निम्न वर्ग के लिए ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाए और व्यापार मंडल के लिए व्यापार के लिए ध्यान दिया जाए। कि सबसे अधिक जो चोट पहुंची है वो बिजनेस पर्सन व्यक्ति को ही पहुंची है और बाकी जो सर्विस थे लोग कहीं ना कहीं किसी प्रकार से अर्निंग तो होती रही, लेकिन हम लोगों को किसी प्रकार से कोई भी मूल रूप से सहायता नहीं की गई। लोग सरकार से इस बजट में टैक्स और कोविड सेल्स को लेकर भी कई कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। इससे मिडिल और लो इनकम ग्रुप को सहारा मिल सकता है और उनके खर्च करने की ताकत भी बढ़ सकती है। आम आदमी के हाथ में इनकम बढ़ाने के लिए टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसे 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच किया जाना चाहिए। साथ ही मौजूदा टैक्स स्लैब में बदलाव भी किया जाना चाहिए। 10 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स 10% होना चाहिए, 20 लाख रुपए की आय पर 20% और उससे ऊपर की आय पर 30% होना चाहिए। इनकम टैक्स की अगर बात करने जाए तो हम सरकार से यह चाहते हैं कि 5 लाख तक सालाना इनकम है वो उसमें क्या कमाए क्या भरेगा उसको कम्प्लीटली इनकम टैक्स फ्री रखा जाए, उसमें कोई पेच नहीं रखे। 5 से 10 लाख को 10% के दायरे में रखना चाहिए ताकि पैसे का फ्लो आएगा तो व्यापार चलेगा। फिर 10 लाख से 15 लाख की इनकम वाले को 20% में, उसके बाद 30% में रखे तो इनकम टैक्स में उनको ये काफी छूट देनी पड़ेगी जिससे व्यापारियों की थोड़ी स्थिति सुधरे, पैसा वर्किंग में आए। कई व्यापारी तो व्यापार के लिए राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। कई मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर आम बजट तैयार करने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई व्यापारी इस बार के बजट में अपने व्यापार के लिए कुछ खास होने की उम्मीद ही छोड़ चुके हैं, तो कुछ खुद को ठगा भी महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है या तो बजट का फायदा बहुत ही ऊपर के लोगों को मिलता है या फिर निचले तबकों को मिलता है, जबकि मिडिल क्लास हमेशा से पिसता जाता है। आने वाले समय में जो बजट आए तो वो मिडिल क्लास से संबंधित हो, कम से कम मिडिल क्लास जो टूटा है वो एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, कम से कम उनकी जो स्थिति है वो सुधर जाए। इस तरह से उम्मीद हम सरकार से करते हैं कि जो मिडिल क्लास का जो उसको जो है ध्यान देके ही बजट का निर्माण किया जाए। कोरोना काल में पर्यटन इंडस्ट्री को सबसे बड़ा धक्का लगा है। सरकार की तरफ से इस इंडस्ट्री को कोई भी राहत नहीं दी गई। ऐसे में अगर इस बार का बजट उनके मन मुताबिक नहीं आता तो फिर इस इंडस्ट्री को धार मिल पाना काफी मुश्किल होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में सबसे पहले तो जो हमारे जो लोन थे उसके कर्ज की माफ़ी होगी, हमें फ्रेश लोन चाहिए होंगे वर्किंग कैपिटल के लिए सस्ती दरों पे, बहुत बहुत अत्यधिक ज़रूरी है। साथ साथ जो हमारी GST की दरें हैं वो हमारे जो आसपास के देश हैं उनसे हमें उसी लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जितने हमारे आसपास के देश हैं उनमें GST कम होने के बजाय काफ़ी टूरिस्ट बाहर जाता है। अब क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पे रहेगा उसको आगे मैंने एक दो साल में कैसे और आकर्षित कर सकें, बाहर ना जाए, इधर ही आए इधर के टूरिस्ट, तो उसके लिए हमें अपनी GST दरें आसपास के देशों के समांतर रखनी पड़ेगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों को भी बजट में राहत पैकेज का इंतजार है। ट्रेडर्स मानते हैं कि जब आम लोगों में खुशहाली लौटेगी तो भी परचेजिंग करेंगे और बिजनेस रफ्तार पकड़ेगा। बजट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राहत पैकेज मिलता है तो ये क्षेत्र तेजी से ग्रो करेगा। अगर आम जनता को टैक्स में राहत मिलती है तो उनके हाथों में पैसा ज्यादा होगा तो वो खर्च भी ज्यादा करेंगे, जब खर्च ज्यादा करेंगे तो नए कपड़े भी खरीदेंगे। अब कारोबारियों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री बजट में उनके लिए कुछ खास पैकेज लेकर आएंगे। दूसरा, हम गारमेंट हब की बात कर रहे हैं, हम बार बार सरकार से बोलते हैं टेक्सटाइल हब तो स्वयंभू है लेकिन गारमेंट हब अगर सूरत को मिलता है तो जो हमारा फैब्रिक जो सिंथेटिक फैब्रिक है वो बाहर जाता है, बाहर की मंडियों से गारमेंट बन के अन्यत्र जाता है तो वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बचेगा, जो GST के बाद हमें जो नुकसान हुआ महामारी के बाद नुकसान हुआ वो हमारा कवर होगा, तो गारमेंट हमें दिया जाए। कई ऐसे GST से रिलेटेड जो समस्या है, एक रिटर्न है ITC 04 हम कब से बोलते आ रहे 3 साल से वो लागू है फिर भी हमने किसी ने भरा नहीं है, 5% भरने को भी तैयार है लेकिन 95% नहीं भर रहे तो वो नहीं, ऐसे जो एक्ट है उसको कपड़े से खत्म करना चाहिए, सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर को भी इस बजट से खासी उम्मीदें हैं। बजट 2021 में वित्त मंत्री न्यू इंडिया के लिए बड़े ऐलान कर सकती हैं। एजुकेशन लोन देने वाली संस्थाओं की सरकार से मांग है कि इस बजट में सरकार GST में कमी करे जिससे देश शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम हासिल करे। इस बजट से हमारी ये एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से कि हम जो सर्विस देते हैं जिसमें हमें अभी भी 18% GST लगा के चार्जेस लगा के सर्विस देनी पड़ती है, अगर वो रिड्यूस कर दिया जाए
तो हम पेरेंट्स को और अफोर्डेबल मनी, इजी मनी दे सकते हैं। आने वाले बजट से कोई जीएसटी कम करने की उम्मीद कर रहा है तो कोई टैक्स में छूट चाहता है। कुल मिलाकर ये बजट सबको राहत पहुंचाने वाला बजट हो सकता है। हालांकि कोरोना की वजह से सरकार का बजट भी बिगड़ा है। अगले साल घाटे को कम करने की कोशिश की जाएगी। पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर देश परेशान रहा है, इसलिए सेंट्रल एक्साइज को लेकर कहीं ना कहीं बात हो सकती है ताकि आम लोगों को सुविधा मिल सके। ज्यादातर व्यापारियों को उम्मीद है कि कोरोना की वजह से गंभीर रूप से बीमार हो चुके व्यापार को इस बजट में वित्त मंत्री की तरफ से ठीक करने वाली दवा मिल जाएगी।